एनडीटी ग्लोबल के माध्यम से सुनिए श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संसदीय मामले और संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, और श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, कल गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत पर उन्होंने क्या कहा। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो प्रचंड बहुमत दिया है, और पिछले अनेक सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बताया है, उस लिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी, इनको सबको और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि गुजरात का विकास का यह मॉडल देश की जनता भी स्वीकार करेगी, और जनता उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करेगी, यही मेरा विश्वास है। नमस्कार। और डेवलपमेंट के काम पर जिससे शांति व्यवस्था भी अच्छी बनी रहती है और लोगों को सुरक्षा भी। सर, इंकमबेंसी की लोग बात करते हैं, ऐसा 27 साल से बीजेपी का राज है वहाँ से, गुजरात में नरेंद्र मोदी का परचम अभी भी लहरा रहा है, वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से घट जाती है जी, क्योंकि जनता कहती है यही पार्टी ठीक है, हमें सुरक्षा भी मिली हुई है, कानून व्यवस्था भी सुधरी हुई है, डेवलपमेंट भी ठीक है, गुड गवर्नेंस भी है, नागरिकों को लाइफ सुधरती है तो वो जनता पसंद करती है बीजेपी। सर मोदी जी ने रैली में कहा था कि हमारा भी रिकॉर्ड तोड़िए नरेंद्र मोदी नरेंद्र भूपेंद्र की सरकार, तो उसका असर हो गया क्या? गुजरात और हिमाचल दोनों में आज देखिए, गुजरात तो इतिहास बनाने जा रहा है, और हिमाचल में भी कई वर्षों से ये विषय था कि एक पार्टी आएगी एक पार्टी जाएगी, वो भी परंपरा टूट गई।